बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और यहाँ आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ जी अपनी ग्रोसरी का सामान आया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को साथ भी शेयर कर दूँ। देखिए, ये मैंने दाल चना ली है, रंगीन सेवइयाँ ली हैं, और ये साथ मैंने इसको ये जो रेड वाली होती है दाल मसूर ये ली है, काली मिर्च ली है, और ये साबुन जो है वो मैं पहले पाम ओलिव यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार जो है वो पाम ओलिव मौजूद नहीं था, पता नहीं कह रहे हैं आई थिंक बंद हो गया पाम ओलिव, तो ये फिर मैंने लैक्स ली है, और ये मैक्स बार ली है, लौंग मैक्स बार ली है, और ये जीरा है, सूखा धनिया है, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं हर मंथ यूज़ होती हैं, और ये हल्दी पाउडर है, और ये देखिए हुरिया मुझे ना निकाल के पतरा आ रही है, और ये सुरख मिर्च है, इस तरह से बस ना सारी चीज़ें ये देखिए हमने निकाल ली हैं। ये सर्फ है, सनलाइट सर्फ जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। ये सारा ग्रोसरी का सामान मेरा कंप्लीट नहीं है, इसमें अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हैं। जो सामान ख़त्म हुआ था फिर मैंने वही बस हाफ़ साहब से पर्ची दी थी तो वो ले आए हैं। अभी शैम्पू वगैरह, पेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें भी रहती हैं, वो अभी मेरे पास मौजूद थी, वो इस मंथ के लिए इनफ थी इसलिए फिर मैंने वो नहीं मंगवाई। ये चीनी है, चावल हैं, और घी और ऑयल जो है वो मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, उसकी रीज़न ये है। तो एक दफ़ा ना मेरे साथ ऐसे हुआ है, तो किचन के कैबिनेट में ना पता नहीं आई डोंट नो कहाँ से रैट आ गया। अल्लाह मुझे बहुत डर लगता है रैट्स से, और बहुत घुस गया हमारी ऑयल वाली पेटी में। अल्लाह, उसने वो जो तबाही मचाई है ऑयल में और घी में, उसके बाद से मुझे ना कहते नहीं है नसीहत हो जानी, मुझे नसीहत हो गई है। मैंने अब तभी भी ऑयल और घी जो है ना वो मैं तभी भी कैबिनेट में नहीं रखती, वो मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ। और ये जो बाकी सामान, ये दालें वगैरह जो भी होता है ना, ये सारा ये भी मैं ऐसे नहीं रखती, मैं डब्बे में डाल तो फिर इनको सेव करती हूँ। ये देखिए जी, सारा सामान मेरा निकल आया है। रूह अफ़ज़ा भी मंगवाती हूँ मैं जामे शीरी सॉरी, और ये मेरी बेटी जब दूध में डाल के पीती है, और ये देखिए ये इसने इस दफ़ा से ना चटपटा मंगवा ली है नूडल्स, पता नहीं अभी ये खाई थी या नहीं खाई थी, मंगवा ली है इसने। और अब मैं इन चीज़ों को ना जल्दी जल्दी से समेट लूँ थी। और ये देखिए अभी चावल हैं, मैं इसको मना कर रही थी तो हुरिया गिर जाए थे, पर नहीं बच्चों को वो होता है ना, तो बस मैं ही करूँ, जो भी है सारा सामान मैंने निकाला है तो मैं ही निकाल लूँ बस। और ये देखिए ये है ऑयल और घी, हमेशा मैं घी जो है वो पराठों के लिए मैं घी ही इस्तेमाल करती हूँ, घी से पराठे जो है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं, और ऑयल जो है वो वैसे सालन वगैरह में मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, और कैचअप म्योनी वगैरह वो सारी वो भी मैंने मंगवा ली थी, वो भी उधर पड़ी हुई हैं, वो भी आप देखें अभी नज़र आएंगे आप तो। अब मैं जल्दी जल्दी से इन चीज़ों को समेट लूँगी, सारी चीज़ों को मैं डब्बे में डालूँगी, और जो चीज़ें जो हैं एज इट इज़ रखने वाली हैं उनको ऐसे रखूँगी, और कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे डब्बे जो हैं वो खाली हुए हैं उनको मैंने वॉश लिया हुआ, उनको दोबारा से रीफिल कर दूँगी। ये देखिए ये मैंने एक बाल्टी रखी हुई है, इसमें मैं अपने सारे सर्फ और साबुन जो भी होता है वो सारा मैं इसमें रखती हूँ, फिर जब ज़रूरत हो, वो एक छोटा अलहदा से मैंने डब्बा रखा हुआ है, वो जब ज़रूरत हो वो इधर से निकाल के तो उधर फिल करते तो फिर वो मैं यूज़ करती रहती हूँ। ये सारे साबुन सर्फ वगैरह अब मैं इसमें रख दूँगी और निकलो समेटूँगी फटाफट से।
और देखिए ये इस तरह से मैं ये तुम्हारा कंटेनर है उसमें मैं चावल रखती हूँ और ये मैंने ग्लास मापने के लिए रखा हुआ है। और ये देखिए पहले मेरे चावल अभी पड़े हुए थे तो अब नहीं आ रहे हैं, ये वो भी मैं ऐसे ही रख लूँ। इस रीज़न ये है तो मैं ये वाले जो मैंने अभी चावल मंगवाए हैं ना, ये वाले चावल जो हैं वो ये मैंने ना पुराने मंगवाए हैं मतलब। और ये जो ऊपर चावल पड़े हुए हैं ये ना नए चावल हैं, जो भी इस साल में नया चावल आया ना ये वो वाले चावल हैं। और पुराने चावल जो हैं उनसे बिरयानी और पुलाव वगैरह बहुत अच्छा बन जाता है, इसलिए मैंने ना इस बार जो है वो 5 KG पुराने चावल मंगवाए हैं। और ये डब्बा चीनी वाला है, इसमें मैं चीनी डाल के रखूँगी। चीनी जो है वो भी मैं ऐसे नहीं रखती, वो मैं इस तरह से डब्बे में डाल के तो इसको मैं फिल कर देती हूँ, फिर जितनी चाहिए होती है वो उतनी निकाल के छोटे डिब्बे में डाल के तो वो मैं ऐसे यूज़ करती रहती हूँ। अब आ जाती है जी दालों की बारी, और ये देखिए दालें भी इस तरह से मैं डब्बों में फिल तो अर्थ रख लूँ जी। और ये लास्ट मंथ ना ये जो चीनी लास्ट मंथ जो मैंने ग्रोसरी ली थी उसमें से ये बची हुई थी, ये भी अभी मैं इसमें रहने दूँगी। और ये दाल चना भी मैंने इसमें रख दिया है, मतलब मेरे पास अभी यूज़ करने के लिए बाहर पड़ी हुई है, मतलब रखूँगी मैं इनकी जगह पे। और ये मेरा ग्रोसरी वाला कैबिनेट है, और ये साबुन और सर्फ जो है ये देखिए पाम ऑयल भी मैं पहले यूज़ करती हूँ, और रेत पीतली आ जाए वो मेरी पिछले मंथ तो पड़ी हुई थी वो मेरी निकल आई है, पहले मैं इसको यूज़ करूँगी। ये मैं अब ये वॉशरूम में रख दूँगी। सुरख मिर्च है ये मैं अब डिब्बे में जो है ये भी इस तरह से फिल करके रखूँगी। ये देखिए मैंने अपने मसालों वाला दराज जो है वो रीसेट कर लिया है, और हुरिया देखें इधर हुरिया जो है वो पढ़ रही है, इसको होमवर्क मिला हुआ अपना होमवर्क कर रही है। हुरिया तो पास में बैठी हूँ उसको मैंने पढ़ाया है, और अब हो गया शाम का टाइम, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं खाना। और खाने में आज हमारे घर में बन रहा है मटर कीमा, और साथ में हुरियत फरमाइश आई है तो मामा दूध वाली सेवैयाँ बनाएं, साथ में बना रही हूँ मैं दूध वाली सेवैयाँ, और एक तरफ मेरी शाम की चाय जो है वो बन रही है। कीमे को अच्छे से मैंने वॉश किया और उसको इस तरह से मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया है, साथ ही मैंने इसमें तार तो डाल दिया है एक मीडियम साइज का प्याज। और ये देखिए ये ना 2-3 पीस थे चिकन के, तो ये ना ऐसे बेचारे इधर उधर रुल रहे थे, तो ये इनको मैंने वॉश करते रहा, इनको भी मैंने इसमें डाल दिया है। लास्ट टाइम मैंने जब चिकन मंगवाया था ना तो मैंने वो ब्रेस्ट के पीसीस मंगवाए थे, तो वो बोनलेस मुझे चाहिए था, तो ये उसमें थोड़ी हड्डियाँ जो है ना थोड़ी सी उतरी थी, तो वो मैंने तार तो उनको ज़ाया नहीं किया, उनको मैंने ना ऐसे फ्रिज में रख लिया था। तो आज मैं कीमा बना रही हूँ तो मैंने ना ये वाले जो पीसेस पड़े हुए थे ये भी इसी में डाल दिए मैंने, मैंने तो जल छल जाए थे और खाए पिए जाने ऐसे ही। यहाँ पर चाय भी मेरी बन रही है, अब चाय जो है वो मैं पी लूँ थी अपनी। पता नहीं क्या रीज़न है जब शाम का टाइम होता है ना 4 से 5 बजते हैं, वो पता नहीं आदत हुई हुई है, यह आदत अच्छी नहीं है आई नो, पर पता नहीं कैसे छूटी थी ये वाली आदत। शाम को चाय जो है ना वो लाजमी चाहिए होती है, जैसे 4 से 5 बजते हैं, और ऐसे जैसे जिस्म को ना उसी चीज़ की तलब है, वो बॉडी को उसी चीज़ की ज़रूरत है, तो इस तरह से फील होना शुरू हो जाता है। तो ये चाय जो है भाई ये पेट्रोल है, बॉडी का पेट्रोल है। यहाँ पर मैं सब्ज़ मिर्चें जो 2 से 3 है वो मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल की हैं, यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया जी तकरीबन 1 टेबल स्पून तो जितनी सुरख मिर्च पाउडर,
साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी है वन टीस्पून की जितनी हल्दी पाउडर। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और वही जो बेसिक मसाले डेली जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वही मसाले इसमें भी जाएंगे। और साथ इसमें शामिल कर दिया मैंने 1/2 टेबल स्पून तो जितना ज़ीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून तो जितना सूखा धनिया पाउडर। अब इसे तवर उतारते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है वो हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर में इधर इंजॉय कर लेती हूँ अपनी चाय। देखिए जी, यहाँ पर 10 से 12 मिनट लग गए हैं और कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है। अब मैंने इस पॉइंट पर इसमें शामिल कर दिया घी। अब मैं इसकी 5 से 7 मिनट अच्छे से भुनाई कर लूँगी। कीमा जितना अच्छा भुना जाएगा उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर और मसालों का फ्लेवर जो है वो इन्हेंस होगा। देखिए ये जो 2-3 पीस थे चिकन के वो मैं निकालते हुए हुरिया तो दे दूँगी, हुरिया खा ले रही। देखिए अब इसमें मैंने शामिल कर दिया मटर, और मटर शामिल करते हुए भी इसे 4 से 5 मिनट मज़ीद अच्छे से भून लूँगी मैं। आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी और ये देखिए हुरिया तो मैंने ना किचन में चेयर रख दी थी तो वो इधर मेरे पास ही बैठ गई है, अपना चिकन पीसेस जो है वो इंजॉय कर रही है। वापस आ जाते हैं जी अपने कीमे की तरफ, और ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 ग्लास तो जितना इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब इसे कवर करते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मटर जो है वो भी अच्छे से गल जाए। अब दूसरे चूल्हे पर मैं तैयार कर लूँगी साथ में दूध वाली सेवइयां। दूध वाली सेवइयां भी हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बनाने का, मैं तो भाई इस तरह से बनाती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा घी डाला है मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना, और इसमें मैंने डाल दी हैं सेवइयां। सेवइयों को मैं लाइट सा गोल्डन सा करूँगी हल्का सा। देखिए अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 1 लीटर के जितना दूध, और ये दूध जो है ये फुल क्रीम मिल्क है। यहाँ मुझे दूध थोड़ा ना कम लग रहा था, फिर मैंने इसमें और ज़्यादा दूध जो है वो और शामिल किया। तकरीबन मैंने इसमें 1.5 लीटर के जितना दूध जो है वो शामिल किया है। साथ ही इसमें हसबे जायका चीनी जो है वो शामिल कर देंगे और इसको पतने थोड़ी छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 पिंच को जितना जो है वो इलायची का पाउडर शामिल किया है, सब्ज इलायची का पाउडर शामिल किया है, इससे खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आ जाती है। अब इसे हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें तो साथ में सेवइयां जो हैं वो गल जाएं और गाढ़ी गाढ़ी सी भी हो जाएं। तो मैंने शिफ्ट कर दिया है दूसरे चूल्हे पे और अब सालन तो देख लेते हैं। सालन भी देखिए तकरीबन भुनाई पे आ चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसे 4 से 5 मिनट में अच्छे से भून लूँगी। साथ इसमें मैंने शामिल कर दिया है हरा धनिया कटा हुआ, और साथ इसमें शामिल कर दिया है गरम मसाला पाउडर। और अब इसे मैं आपको गार्निश करके बताती हूँ। सेवइयां भी हमारी रेडी हो चुकी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ अपने खाने की फाइनल लुक। साथ ही यहाँ पर मैं रोटी भी बना लूँ, तो हस्बैंड आ चुके हैं। यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी जो है वो भी तैयार कर रही हूँ मैं साथ में। ये है जी आज के मेरे खाने की फाइनल लुक। सारा खाना जो है वो बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग और रेसिपीज जो हैं वो पसंद आई होंगी। रेसिपीज तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। दोबारा फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपीज़ और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।